समुद्र के नीचे क्या है? ये सवाल हर किसी के जहन में आता है। अगर आप खुद से समुद्र के नीचे जाकर इस बात को पता करना चाहते हैं, तो आपको मात्र 7,50,000 डॉलर यानी कि भारतीय मुद्रा में 5,50,00,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जिससे आप समुद्र की सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप में पहुंच जाएंगे और वहां से देख पाएंगे कि समुद्र के नीचे क्या है। लेकिन इतना पैसा हर किसी के पास होना असंभव है, तो इसके लिए आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि समुद्र के नीचे क्या है। बने रहिए इस वीडियो के साथ। धरती के 71% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जो अपने भीतर ना जाने कितने ही रहस्य समेटे हुए है। आज तक इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही देख पाया है, जबकि बाकी बचे हिस्से में क्या कुछ छिपा हुआ है, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के पानी के अंदर क्या है? लाखों करोड़ों अनगिनत जीवों से भरा यह समुद्र अपने भीतर क्या कुछ समेटे बैठा है? समुद्र के नीचे क्या है, यह जानने से पहले हमें यह पता करना होगा कि समुद्र बना कैसे होगा और यह धरती के इतने बड़े हिस्से में कब और कैसे फैला। अगर वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र का जन्म आज से लगभग 50 से 100 करोड़ साल के बीच हुआ होगा, जब धरती बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और शुद्ध ग्रहों और उल्कापिंडों की टक्कर से उसकी सतह पर विशालकाय गड्ढों का निर्माण हो चुका था। धरती के ठंडे होने के साथ साथ उसके ऊपर गैस के बादल बनना शुरू हो गए, जिससे धरती पर लगातार कई महीनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। इस तरह आसमान से लगातार पानी बरसने के कारण धरती पर मौजूद गड्ढे भरने लगे और उन्होंने समुद्र का रूप ले लिया। पृथ्वी पर पानी लाने का काम शुद्ध ग्रहों, उल्कापिंडों और कॉमेट ने किया था, जो बर्फ के रूप में धरती पर पानी लाते थे और पृथ्वी की सतह से टकराकर बर्फ के टुकड़े चारों तरफ बिखेर देते थे। इस तरह विभिन्न रूप से धरती पर जमा हुए पानी ने विशालकाय समुद्र का रूप धारण कर लिया। समुद्र में प्रशांत महासागर को सबसे गहरा माना जाता है, जिसकी औसत गहराई 3939 मीटर मापी गई है। विभिन्न जीव जंतुओं का घर। समुद्र के नीचे अनेकों प्रकार के जीव जंतु और मछलियां निवास करती हैं, जिन्हें देख पाना भी इंसान के लिए संभव नहीं है। आज तक मनुष्य ने जितने भी समुद्री जीवों को देखा है, वह सिर्फ 5% हिस्से के अंतर्गत आने वाले कुछ जीवों में से एक है। असल में समुद्र के अंदर इतनी प्रकार के जीव जंतु और उनकी विभिन्न प्रजातियां निवास करती हैं कि उनके बारे में वैज्ञानिक भी ठीक ठाक अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। समुद्र के अंदर बुलबुले से हल्के जीवों से लेकर हाथी के वजन जितने भारी भरकम जीव निवास करते हैं, जिन्हें इंसानी आंखों से देख पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि टेक्नोलॉजी की मदद से आज वैज्ञानिक समुद्र के अंदर ऐसे ऐसे रहस्यमय जीवों की खोज करने में कामयाब हुए हैं, जो सैकड़ों साल से धरती पर मौजूद हैं। समुद्र के अंदर सिर्फ जीव जंतु ही नहीं, बल्कि अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पति भी मौजूद है, जो पृथ्वी को बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। इतना ही नहीं, समुद्र की गहराइयों में अद्भुत और विचित्र प्रकार के दुर्लभ पेड़ पौधे और बैक्टीरिया मौजूद हैं, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से में ही 35,000 से ज्यादा अलग अलग प्रजाति के बैक्टीरिया, 5,000 से ज्यादा वायरस और 1,50,000 से ज्यादा एक कोशिकीय पौधे मौजूद हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद 71% समुद्री हिस्से में क्या कुछ और कितने प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होंगे। समुद्र के अंदर स्पर्म व्हेल और शार्क के अलावा भी कई विशालकाय मछलियों की प्रजाति मौजूद है, जो दिखने में बेहद डरावनी है। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र के अंदर गहराई में ड्रैगन की तरह दिखाई देने वाली विशालकाय मछलियां निवास करती हैं, जबकि यह समुद्र चमकीली लैंप जैसी आंखों वाली और भयानक जबड़ों वाली अलग अलग मछलियों की प्रजाति का घर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के नीचे रंग बदलने वाले अनेकों प्रकार के जीव भी रहते हैं, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल पारदर्शी और कुछ बेहद खतरनाक होते हैं। समुद्र में इतनी ज्यादा मछलियां मौजूद हैं कि रोजाना लाखों मछलियों को पकड़ने पर भी उनकी संख्या में बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगी। इस समुद्र में सिर्फ मछलियों की ही नहीं, बल्कि विशालकाय सांपों की भी लाखों प्रजातियां रहती हैं, जिसमें से कुछ प्रजातियां बेहद विषैली और खतरनाक होती हैं। हालांकि समुद्र के अंदर सांपों को खोज पाना अपने आप में बहुत ही चुनौती वाला कार्य है, क्योंकि समुद्री सांप अक्सर चट्टानों और जली पौधों के बीच छिपे हुए रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में विशालकाय एनाकोंडा होने की भी संभावना जताई जाती है। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र में सूंड वाले अनेकों प्रकार के ऑक्टोपस प्रजातियां रहती हैं। इसके अलावा यहाँ कीड़े मकोड़े और झींगों की करोड़ किस्में मौजूद हैं।
समुद्र के अंदर कमल के फूल की तरह दिखाई देने वाले अलग अलग प्रकार के रेंगते हुए फूल, ब्लड रेड, समुद्री फैनी और सैकड़ों भुजाओं वाले पौधे, कोरल और शैवाल पाए जाते हैं। समुद्र में सबसे गहरी जगह पश्चिमी प्रशांत महासागर में समुद्र की सबसे गहरी जगह मौजूद है, जिसे मारियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। इस जगह के सबसे गहरे पॉइंट को चैलेंजर डीप कहा जाता है, जिसकी गहराई 10,902 से 10,929 मीटर तक मापी गई है। समुद्र की इस गहरी जगह पर इतना ज्यादा अंधकार होता है कि वहां किसी भी चीज को देखने के लिए स्पेशल चश्मे पहनने की जरूरत पड़ती है। इस जगह पर ना तो सूर्य की रोशनी पहुंच सकती है और ना ही कोई कृत्रिम प्रकाश। हालांकि एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिक हर वक्त इस एरिया पर निगरानी बनाए रखते हैं। यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए यहाँ तक पहुँच पाना और जीवित वापस लौटना बहुत ही मुश्किल काम है। यही वजह है कि चैलेंजर डीप में अब तक गिनती के सिर्फ कुछ लोग ही गए हैं। आपको बता दें कि समुद्र का यह हिस्सा एवरेस्ट की चोटी से भी ज्यादा गहरा है। अगर एवरेस्ट के पहाड़ को उल्टा करके चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो वह गहराई में पहुँचने से पहले ही 3 किलोमीटर की दूरी पर खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, समुद्र की इस गहरी जगह पर जाने के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको $7,50,000 धनराशि खर्च करनी होगी। इसके साथ ही इतने ज्यादा पैसे खर्च करने पर आपकी जान की सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद आपके ऊपर होगी। हालांकि इतनी गहराई और अंधेरे वाली जगह पर भी कई प्रकार के बैक्टीरिया, मछलियाँ और जीव जिंदा रहते हैं, जो कई दिनों में एक बार खाने की तलाश में पानी की सतह तक जाने की कोशिश करते हैं। इन जीवों ने खुद को मुश्किल परिस्थितियों में जिंदा रखने की कला सीख ली है, जिसकी वजह से सी लेवल से इतनी गहराई में भी उन्हें कुछ नहीं होता है। वैज्ञानिकों की माने तो इस जगह पर सालों पहले विलुप्त हो चुकी विशालकाय मछली की प्रजाति मेगालोडोन शार्क हो सकती है, जिसके जबड़े का साइज ही आज की शार्क और व्हेल मछली से कई गुना बड़ा था। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी और गुफाएं। समुद्र ऊपर से देखने पर जितने शांत और नीले दिखाई देते हैं, इसके अंदर की दुनिया उतनी ही ज्यादा रंगीन और उथल पुथल से भरी हुई है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि समुद्र के नीचे गुफाओं से लेकर सक्रिय ज्वालामुखी तक मौजूद हैं। समुद्र के अंदर कई रहस्यमयी और विशालकाय गुफाएं मौजूद हैं, जिनका निर्माण समुद्र की विशाल लहरों और पानी के कटाव की वजह से होता है। इतना ही नहीं, समुद्र में गुफा के साथ साथ अनगिनत सुरंगें भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ सुरंगों तक इंसान ने भी अपनी पहुंच बना ली है। मैक्सिको की समुद्री सुरंग पर्यटन और एडवेंचर करने वाले लोगों के लिए सबसे मनपसंद जगहों में से एक है, जहां आप गहराइयों में पानी के अंदर मौजूद गुफाओं में तैराकी का आनंद उठा सकते हैं। समुद्र में सक्रिय ज्वालामुखी की भी बहुत बड़ी संख्या है, जिनसे निकलने वाला गर्म लावा समुद्र के अंदर नली जैसी गुफाओं की रचना करता है। हवाई में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट से बनी गुफाएं मौजूद हैं, जिनकी आकृति बेहद पतली और नली जैसी है। इसी तरह चीन के गहरे समुद्र में मौजूद रेनवो केव पर्यटन और एडवेंचर के लिए आम लोगों के बीच काफी ज्यादा मशहूर है, जो कुछ साल पहले समुद्र का जल स्तर कम होने की स्थिति में आम लोगों की नजर में आई थी। इसके बाद इस गुफा को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, जहां रंगीन दीवारें देखने को मिलती हैं। इस रेनवो गुफा की लंबाई 240 मीटर है, जो समुद्र की खूबसूरत और रहस्यमय दुनिया देखने का एक अच्छा विकल्प है। समुद्र के अंदर मौजूद सक्रिय ज्वालामुखी में भी विस्फोट होता है, जो पानी के एक सीमित इलाके को गर्म रखने का काम करता है। इसके अलावा विस्फोट से निकलने वाला लावा और अन्य खनिज तत्व समुद्र के पानी को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे खारे पानी में भी अनेकों प्रकार के शैवाल और जलीय पौधे पनप जाते हैं। समुद्री ज्वालामुखी बैक्टीरिया और वायरस को जिंदा रखने का भी काम करते हैं, और इसका गर्म पानी कई जीवों और मछलियों के रहने के लिए बिल्कुल अनुकूल होता है। कई बार समुद्री ज्वालामुखी में विस्फोट इतना तेज होता है कि उसकी वजह से ऊंची ऊंची लहरों और सुनामी का जन्म हो जाता है। ऐसे में कई बार समुद्री ज्वालामुखी खतरनाक भी साबित हो जाते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का घर। यह तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत पर्वतीय श्रृंखलाएं मौजूद हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट से लेकर अनेकों विशालकाय पहाड़ शामिल हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जमीन की तरह ही समुद्र के अंदर गहराइयों में भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद होते हैं, जिन्हें देखना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। समुद्र के अंदर मौजूद सबसे लंबे और ऊंचाई वाले पहाड़ को माउना किया माउंटेन के नाम से जाना जाता है, जो हवाई में प्रशांत महासागर के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है। इस पहाड़ को हवाई के द्वीप से भी देखा जा सकता है, जो पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखता है। लेकिन यह पहाड़ जितना पानी की सतह से ऊपर मौजूद है, उतना ही इसका आधे से ज्यादा पानी के अंदर समुद्र में डूबा हुआ है। अगर माउना किया माउंटेन जमीन पर मौजूद होता
तो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी होने का ताज माउंट एवरेस्ट के सिर नहीं बल्कि इस पहाड़ के पास होता। समुद्र के अंदर मौजूद माउना किया की ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि समुद्र की सतह से ऊपर इसकी ऊंचाई 4205 मीटर है। इस हिसाब से अगर पूरे के पूरे माउना किया पहाड़ की लंबाई को मापा जाए तो उसकी कुल ऊंचाई अप्रॉक्स 10210 मीटर तक हो जाती है। हालांकि समुद्र के अंदर गहराई तक मौजूद होने के बावजूद भी इस पहाड़ की चोटी असल में एक ज्वालामुखी है जिसमें सालों पहले विस्फोट हुआ करता था। ठीक इसी प्रकार समुद्र में हजारों छोटे बड़े पहाड़ों को खोजा जा चुका है जिनकी संख्या 1,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। आमतौर पर समुद्र के अंदर पाए जाने वाले पहाड़ों की ऊंचाई 1 से 3 किलोमीटर के बीच होती है जिनका ज्यादातर हिस्सा पानी के अंदर ही डूबा रहता है। हालांकि कुछ पहाड़ समय के साथ पानी से बाहर आ जाते हैं जिसका मुख्य कारण जल स्तर का कम हो जाना होता है। आपको बता दें कि दुनिया भर में मौजूद आइलैंड्स यानी द्वीपों का जन्म समुद्री पहाड़ों के पानी से बाहर आ जाने के कारण हुआ है जिनका आकार अक्सर चपटा होता है। हवाई द्वीप का निर्माण भी समुद्री पहाड़ के पानी से बाहर आ जाने की वजह से ही हुआ है जो आज पर्यटकों के लिए बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस में से एक बन चुका है। मध्य सागर के अंदर दुनिया की सबसे विशालकाय पर्वत श्रृंखला मौजूद है जिसकी लंबाई 64,000 किलोमीटर है। समुद्र के नीचे भी बहती हैं नदियाँ। आज तक आपने सिर्फ यही सुना होगा कि दुनिया भर में बहने वाली नदियाँ पहाड़ों और ग्लेशियर से निकलकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं जहाँ उनका सफर खत्म हो जाता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जमीन की तरह ही समुद्र के अंदर भी रहस्यमय ढंग से नदियाँ बहती हैं जो अलग अलग प्रकार की धाराओं को पैदा करती हैं। गल्फ स्ट्रीम या गल्फ की धारा को दुनिया की सबसे विशालकाय समुद्री नदी का दर्जा दिया जाता है जिसमें बहने वाला पानी गर्म होता है। यह धारा मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है जिसकी वजह से इसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। समुद्र के अंदर बहने वाली इस गर्म नदी की वजह से उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट से लेकर यूरोप के पश्चिमी तट तक तापमान गर्म रहता है जो पृथ्वी की जलवायु को परिवर्तित करने में अहम भूमिका निभाने का काम करती है। समुद्र के अंदर बहने वाली इस नदी को गूगल मैप पर भी देखा जा सकता है जो इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया की सभी नदियों का पानी एक साथ मिला दिया जाए तो भी गल्फ की धारा का पानी ज्यादा होगा। गल्फ की धारा की तरह ही दुनिया के अलग अलग देशों के समुद्री इलाकों के अंदर अनेकों नदियां बहती हैं जिन्हें ब्राजील की धारा, जापान की धारा और उत्तरी प्रशांत सागरीय धारा के नाम से जाना जाता है। समुद्र के अंदर बहने वाली नदियां मुख्य रूप से समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए भोजन और पोषक तत्व जुटाने का काम करती हैं। इसके साथ ही इनकी गर्म धारा विभिन्न देशों के तापमान को नियंत्रित करने का काम करती हैं। समुद्र में बहने वाली नदियों का निर्माण मुख्य रूप से 3 वजह से होता है जिसमें समुद्र के पानी की डेंसिटी यानी घनत्व होता है। जबकि एक घनत्व वाला पानी एक दूसरे से मिलता है तो उसकी वजह से समुद्र के अंदर अलग से एक नई धारा निर्मित हो जाती है। समुद्र के अंदर नदी बनने की दूसरी वजह गर्म और ठंडे पानी की धारा का आपस में मिक्स हो जाना है जिसकी वजह से समुद्र के अंदर अलग अलग धारा पैदा हो जाती है। समुद्र के अंदर नदी बनने की तीसरी वजह पृथ्वी के घूमने की गति है जिसके कारण अलग अलग दिशाओं में गल्फ की धारा बनने लगती है। कूड़े कचरे का घर। समुद्र के अंदर चाहे कितनी ही रहस्यमयी और अद्भुत चीजें मौजूद हैं, लेकिन समुद्र के अंदर एक ऐसी चीज भी मौजूद है जो इंसानों की वजह से इकट्ठा हो रही है। यह चीज है कूड़ा और कचरा जो विभिन्न देशों द्वारा समुद्र में फेंक दिया जाता है। समुद्र में सिर्फ मानवीय कचरा ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष से भी कूड़ा फेंका जाता है जिसमें सैटेलाइट से लेकर विभिन्न रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट शामिल हैं। समुद्र में पॉइंट नीमो एक ऐसी जगह है जहां स्पेस में खराब होने वाली सभी चीजों को डंप कर दिया जाता है। इस तरह समुद्र में मानव निर्मित कचरे की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से समुद्री जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ रहा है। अगर मनुष्य ने अपनी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई तो आने वाले समय में समुद्र में मौजूद प्राकृतिक चीजें धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएंगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि समुद्र के अंदर क्या कुछ मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको क्या लगता है कि समुद्र के अंदर और क्या कुछ मौजूद हो सकता है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।